अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से खुशबाश होंगे। आज मेरा काफ़ी ज़्यादा गला ख़राब है और दर्द भी गले में, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है। आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सतारा की वजह से जो है ना डिस्कशन इसके मैटर पर हो रही है, दोनों बहनों की चैनल पे और इन दोनों के जो भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम हैं उसकी वजह से, तो एक चीज़ मैं भी पिन करना चाह रही हूँ कि अगर सतारा के हस्बैंड ने गांव में दूसरी शादी करके बीवी रखी हुई है और ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड अंदा वहाँ रहेंगे दूसरी बीवी के पास और ये अकेली बच्चों के साथ रहेगी और अपने मामला खुद देखेगी फ्यूचर में, तो आप लोग खुद सोचें, एक अकेली औरत जो कि इधर अपने जहाँ पहले इसका घर था कराची में, वहाँ अपने काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार दिलबर वगैरह, बाबर नैना वगैरह, इनके घर के करीब ही इसका एक दो गलियाँ छोड़ के घर था, तो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, अकेली रहती है वहाँ अगर, तो वो सारे इसके मामलात बाहर के बाबर वगैरह देखते हैं, तो ये अब इतने दूर इसने कैसे घर ले लिया है जहाँ ये अपने बच्चों के साथ अकेले रही। क्योंकि अकेली औरत ऐसा फ़ैसला कर सकती है? यकीनन इसका झूठ यहाँ से पकड़ा गया है कि इसके मियाँ ने दूसरी शादी की है और कौसर का भी इसकी ज़िंदगी में कोई वजूद है। यकीनन इसने पैसे दे के वो सारा ड्रामा रचाया है। और YouTube फैमिली, आप भी आंखें खोलें और इस मामले को देखें कि सतारा ने कैसे जो है गुमराह कौन जो है ना प्रोपेगेंडा किया है YouTube पे और लोगों को कैसे अपने चाहने वालों को धोखा दिया है। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए और अब मुझे लगता है इसके बाद के यकीनन सलमा भी जो है ना वो भी ऐसे ही कहानी क्रिएट नहीं कर रही, बल्कि उसमें भी यकीनन कोई किसी हद तक जो है ना बात सच्ची होगी, क्योंकि इतनी बड़ी ड्रामा क्रिएटर है ये लड़की, आप खुद सोचें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।